हमारे चैनल नेहा फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ब्लाउज के बैक नेक का डिज़ाइन बनाकर बताएंगे। आइए हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने मेन कपड़ा अलग हटा दिया है, ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। आइए हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। हमने बैक साइड पहले से कट कर लिया है। देखिए, हमने इसकी लंबाई 14 इंच ली है, इसकी चौड़ाई हमने 10 इंच रखी है। ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। देखिए, हमने आर्म होल 5.5 इंच लिया है। हम इसमें नेक 8 इंच का रखेंगे। देखिए, हम 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये हम 8 इंच का नेक बना लेंगे। ये हमारा शोल्डर 5.5 इंच है। ये हम 2.5 इंच नेक के लिए लेंगे और 2.5 इंच हमारा नेक हो गया। ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब हम 1/2 इंच इस तरह से बाहर की तरफ लगाकर गोलाई दे देंगे। ये हमने गोलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये देखिए, हमने ब्लाउज का नेक कट कर लिया है। अब हम अस्तर को मेन कपड़े पर रखकर इसी के बराबर कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें अस्तर को कपड़े पर रख लेना है और बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमने ब्लाउज को कट कर लिया है। अब हम इसे बराबर से रखकर इसके नेक पर स्टिचिंग लगा लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें इसे बराबर से रख लेना है और नेक पर स्टिचिंग लगा लेनी है। जब तक हम स्टिचिंग लगाते हैं, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए, हमने स्टिचिंग लगा ली है एक साइड से। अभी हम इसको पलट कर फिनिशिंग के लिए ऊपर से स्टिचिंग लगाएंगे। देखिए, हमने कॉर्नर कट कर लिया है। हमारा ये ब्लाउज का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल, बनाने में बहुत आसान और दिखने में बहुत सुंदर लगने वाला है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस तरह से हमें ऊपर साइड से भी स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखिए, हमने स्टिचिंग लगा ली है। ये हमने कुछ कपड़े के टुकड़े काट कर रखे। इनको हम ट्रायंगल शेप देते हुए इस तरह से ब्लाउज के नेक पर लगाएंगे। देखिए, हमें इसे 2 बार कोने से फोल्ड कर देना है और इसे इस तरह से ब्लाउज के नेक पर बिल्कुल किनारे से लगा लेना है। इसी तरह से हमें बाकी के सारे पीसेस को मोड़ते हुए इसी तरह स्टिचिंग दे देनी है। हमने इस ब्लाउज का नेक 8 इंच रखा है। आप चाहें तो इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये डिज़ाइन बड़े नेक पर भी अच्छा लगेगा। देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक पर पट्टियों को लगा लेना है। देखिए, ट्रायंगल बनाते हुए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ब्लाउज से डिफरेंट कलर का कपड़ा यूज़ करना है। हमारा ब्लाउज ब्लू कलर का है, इसलिए हमने गोल्डन कलर का कपड़ा यूज़ किया है। ये देखिए, हमने दूसरे किनारे तक अपनी डिज़ाइन को लगा लिया है। ये हमने पूरे नेक पर टुकड़े लगा लिए हैं ट्रायंगल शेप में। अब हम ये देखिए, हमने पट्टी काटी है। ये पट्टी हमारी 1.5 इंच चौड़ी है। इस पट्टी के कॉर्नर को हम अंदर साइड फोल्ड करके इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और पतली पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह के हमें
पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है। ये देखिए, अब हम इसमें 2 इंच की नाप करके पट्टी को काट लेंगे। 2-2 इंच की हमें इसमें टुकड़े कट कर लेने हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमने पट्टी को छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब हम इन टुकड़ों को अपने डिज़ाइन के बीच बीच पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इनके बीच में अटैच करते हुए जाना है। ये ट्रायंगल वाली डिज़ाइन हमने गोल्डन कलर के कपड़े से बनाई है, इसलिए ये हम पट्टी ब्लाउज के कलर की यानी ब्लू रख रहे हैं, तभी ये ब्लाउज ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम ये एक डोरी ले रहे हैं। हमने ये डोरी ब्लाउज के कपड़े से ही बनाई है, आप चाहें तो गोल्डन कलर की भी डोरी रेडीमेड लेकर डाल सकती हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें डोरी पूरे ब्लाउज के डिज़ाइन में डाल लेनी है। ये देखिए, देखिए हमने डोरी डालकर इसमें कपड़े से ही लटकन बना दिए हैं। हम छोटी डोरी का यूज़ कर रहे हैं जिससे लटकन हमारा इसी नेक के अंदर रहे। देखिए, अब हम इस पर लेस लगा लेते हैं। ये देखिए, हम लेस लगा रहे हैं। हमें बिल्कुल किनारे से लेस लगा लेनी है। आप चाहें तो लेस लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं। ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगने वाला है। ये देखिए, हमने लेस लगा ली है। अब हम इस पर मोतियाँ लगाएंगे। ये देखिए, हमने मैचिंग के लटकन बनाए हैं। ये हमारा ब्लाउज बन चुका है। अब हम इसके डिज़ाइन पर मोतियाँ लगा लेंगे जिससे ये हमारा ब्लाउज और सुंदर लगे और ये जो हमारी ट्रायंगल वाली पट्टियाँ हैं ये सेट रहें। देखिए, हमने मोतियाँ लगाकर ब्लाउज को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। आपको डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।